नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय में आजमगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर का स्वागत किया गया। कांग्रेसियों ने नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें बधाइयां दी। तत्पश्चात विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के आजमगढ़ कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भर्ती विज्ञान शीर्षक से जारी इस घोषणा पत्र में युवाओं से तमाम महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। इनमें सरकार बनने पर 20 लाख रोजगार देने से लेकर छात्र संघ बहल तक के वादे शामिल हैं। मैं यहाँ सभी उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दूँ, पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ और शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझ पर विश्वास करके मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरा यह शुरू से ही मानना रहा है कि मैं अपने कार्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता हूँ और समय का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब आगे आप लोगों के बीच प्रेस करने का एक उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। देखिए, हमारे बीच हमारे नए जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो इस चुनाव पीरियड के लिए बनाए गए, भाई रमेश राजभर जी हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अमर बहादुर यादव जी हैं, NSY के अध्यक्ष विशाल दुबे जी हैं। हमारे यहाँ कल जो है प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र जारी किया है जिसको ये लोग अभी जिले से जारी करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, सारी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और इस युवा घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि परीक्षा शुल्क जो है फ्री कर दी जाएगी और आने जाने का जो परीक्षा सेंटर तक आने जाने का जो किराया होगा वो नहीं लिया जाएगा परीक्षार्थियों से। दूसरा है कि ये क्या है, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तीसरा क्या है, कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जो जारी किया है इसमें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, जब आएगी कांग्रेस सत्ता में तो माफ कर देगी। और जो आजमगढ़ की मेनगर तहसील से खबर है, जहां क्षेत्र के ग्राम सभा कंझारी के 24 वर्षीय युवक विक्की कुमार दातुन तोड़ने के लिए पोखरे पर गया था। दातुन तोड़ते समय वो पोखरे में गिर गया, वह पोखरे में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीण ने बताया घटना लगभग सुबह 6 बजे की है। युवक शौच करने के बाद पेड़ पर चढ़कर दातुन तोड़ने लगा, पर फिसलने से वह पोखरे में गिर गया। आसपास कोई ना रहने की वजह से किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी और पोखरे में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीण जब पोखरे की तरफ अपने खेत को देखने के लिए गए तो युवक की लाश पोखरे में उतराई हुई दिखाई दी, जिसके बाद आन फान में युवक को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सिंहपुर चौकी पर दी। सूचना पाते ही सिंहपुर चौकी के इंचार्ज सुभाष तिवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को पंचनामा तैयार कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था। क्या समझते हैं? देखिए, जो गंगा जमुनी तहजीब थी इस देश की, जो ताना बाना था, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष पर प्रहार करूंगा कि उनका ये वादा था कि सबका साथ सबका विकास, और उसमें उन्होंने जोड़ा था कि सबका विश्वास, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र, वो खोखलापन उसमें नज़र आ रहा है। अभी उन्होंने जो टिकट जारी किया है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हम जो है सभी छोटे छोटे दल को लेकर के अल्पसंख्यकों के भरोसे हम BJP को रोकेंगे, लेकिन मैं समाज आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो 2% से कम जनवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, राजभर से उन्होंने गठबंधन किया, कृष्णा पटेल से गठबंधन किया, जबकि उन्हीं की एक बेटी अनुप्रिया पटेल अभी भाजपा में है, और भी लोगों से जो गठबंधन किए हैं उसमें से 20% मुस्लिम वोटर्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया बिल्कुल। अभी गोंडा में एक पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल किया कि क्या वैसी साहब को भी आप गठबंधन में लेंगे, पत्रकार बंधु को चुप करा दिया गया बाई फोर्स। इस तरीके से जब भी उनसे कोई पत्रकार बंधु जब कोई सवाल करता, अभी अंजना ओम कश्यप जब परिवारवाद के नाम पे उन्होंने उनसे सवाल की
कि भाई आप परिवारवाद से घिरे हुए हैं, उनको भी देखिए उनके चैनल पे जाने पे बैन लगा दिया। 22-22 अपने सरकार में लाल बत्ती लेकर के ये घूमते हैं। 38 लाभान्वित पद पे समाजवादी पार्टी एक परिवार के लोग हैं, तो वो कौन सा समाजवाद है? वो समाजवाद है या परिवारवाद है? दूसरी चीज, वो अल्पसंख्यक को कौन सा वो हिस्सेदारी दे रहे हैं, हिस्सेदारी के नाम पे कतरा रहे हैं? मुस्लिमों का वोट तो उनको चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी देने से वो कतरा रहे हैं। और इनको अगर ये समझ में आ रहा है, वो अपने लोगों से ये बयान दिलवा रहे हैं कि अगर हम इनको लेते हैं तो हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। अभी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया है, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ये मुस्लिम जो है ये 3-3, 4-4 शादियाँ हवस मिटाने के लिए करते हैं, तो क्या इससे मुस्लिम वोट खिसकता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा? जो UDA राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बनाई है, जिसमें पीस भारत देश प्रतिभाओं से भरा हुआ है। इसी कड़ी में फॉरएवर मिस इंडिया 2021 का मिस दिवा का खिताब जीतने वाली सुंदर पर्सनालिटी की सुपर मॉडल कोलकाता से अमृत श्रीवास्तव ने फिल्म इंडस्ट्री के इवेंट डायरेक्टर अरविंद चित्रान से बात करते हुए कहा कि यह भारत की जीत है, महिला सशक्तिकरण की जीत है। मॉडलिंग के साथ फिल्म और सीरियल करते हुए देश में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी जागरूकता और प्रयास सर्वप्रथम रहेगी। हमारी कई उपलब्धियां देश के नाम रही हैं, जैसे जयपुर में फॉरएवर मिस इंडिया दिवा 2021 की विनर, ग्रेटर नोएडा में मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट सीजन 2021 के रनर अप, कोलकाता में मिस ग्लैम फेस 2021 की विनर, फाइवर मिस इंडिया एंड मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट ग्लैम फेस अवार्ड्स इत्यादि 6 क्राउन की जीत से हमारे परिवार और रिश्तेदारों में बहुत ही खुशियों का माहौल है। मॉडल अमृता श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर में चलने वाला यह 4 दिन की एक्टिविटीज़ में फॉरएवर मिस व मिसेज इंडिया का ग्रैंड फिनाले, फॉरएवर फैशन वीक व अवार्ड शो का आयोजन किया गया। फॉरएवर मिसेज इंडिया के ग्रैंड फिनाले व फॉरएवर फैशन वीक में देशभर के नामचीन 150 से ज़्यादा फैशन डिजाइनर ने अपने क्रिएटिव व यूनिक कलेक्शन को रैंप पर शोकेस किया। इस शो में मिस इंडिया, मिसेज इंडिया के अलावा पूरे भारत के हर शहर और राज्य से विनर्स भी शामिल हुए। साथ ही आखिरी दिन 70 से ज़्यादा कैटेगरी में रियल सुपर हीरोज व रियल सुपर वुमेन अवार्ड भी दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है अमृता श्रीवास्तव और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ आप सबसे ये शेयर करते हुए कि हाल ही में मैंने 3 बहुत बड़े लेवल के ब्यूटी पार्टीज में हिस्सा लिया था, जहाँ पर मैंने 6 क्राउन लगातार जीते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैंने हिस्सा लिया था फॉरएवर मिस इंडिया 2021 में, जो कि दिसंबर में हुआ, 17 से 20 दिसंबर के बीच में। और सबसे पहले मुझे मिला मिस कोलकाता का क्राउन, ये है वो क्राउन। और उसके बाद नेक्स्ट डे मिस वेस्ट बंगाल के लिए मुझे चुना गया, जो कि ये क्राउन मुझे पहनाया गया था। एंड फिर फाइनली मैंने जीत लिया। पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सुशील खुले के द्वारा अपराधियों अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ व क्षेत्राधिकारी सदर धनंजय मिश्रा के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना सरायला खनसी के गुप्ता के नेतृत्व में अपने हमराइयों के साथ भ्रमणशील होकर मुखबिर की सूचना पर आज बथुआ गोदाम के पास से 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अजय सिंह उर्फ लिटिल सिंह और शुभम सिंह पुत्र बलवंत सिंह और आशीष गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी कांचा थाना रानीपुर शामिल हैं। इनके कब्जे से बकवल थाना सरायला खनसी से जिला अंबेडकर नगर में नियुक्त उप निरीक्षक विनोद पांडे घर से चोरी गई एक डेल कंपनी की लैपटॉप, एक सैमसंग की टैब, एक वीवो मोबाइल, एक एप्पल का मोबाइल अलग अलग बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना सरायला खनसी में मुकदमा पंजीकृत किया था। पकड़े गए उपरोक्त छात्र अपराधियों द्वारा लगातार घरों में चोरी करने के अलावा आम राहगीरों से भी मोबाइल स्नैचिंग किया जाता है। इनके अन्य साथी अपराधियों की तलाश टीम गठित कर की जा रही है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निर्वाचन शांतिपूर्ण से कुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी अमित त्रिपाठी की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में ईवीएम मास्टर ट्रेनरों को प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि ईवीएम मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत मतदान कराए में तैनात जोन सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मतदान कर्मी को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर ईवीएम वीवीपैट कुलभूषण सिंह द्वारा मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि वीवीपैट को मतदान केंद्र तक वाहनों के माध्यम से सुरक्षित पूर्ण ढंग से लाए जाएंगे। मतदान के घंटा पूर्व वीवीपैट का कनेक्शन करा लिया जाएगा। बैलेट यूनिट को वीवीपैट से एवं वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट कराएंगे।
बीड़ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस सदर अध्यक्ष ने सफाई दी है, कहा मुझे फंसाया जा रहा है। बता दें कि शहर कोतवाली में फोन पर अधिवक्ता व कॉलेज प्रबंधक को गाली देने व जानमाल की धमकी पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम सफी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। शहर कोतवाल क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ले में स्थित मदरसा इस्लामिया जमीतुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी निवासी मोहल्ला तकिया का आरोप है कि बीते 16 जनवरी को अपने संस्थान द्वारा संचालित मिनी आईटीआई का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने आईटीआई संस्थान में शिक्षकों व कर्मचारियों का उपस्थित रजिस्टर की मांग किया तो वह मौजूद मुख्य निदेशिका सुफिया बानो ने भला बुरा कहते हुए उपस्थित रजिस्टर देने से इनकार कर दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। क्या मामला है सर? ये कल मुझे संज्ञान में आया कुछ चैनलों द्वारा कि मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है। उसमें कहा जा रहा है कि मैंने एक अधिवक्ता और मैनेजर को जो है धमकी दी है। अगर मेरे वॉइस रिकॉर्डर में या कुछ इस तरह का उनके पास है तो उसको जारी करें और दिखाएं कि क्या मैंने उनको गालियां दी हैं। ये मामला ये है कि 16 जनवरी को हमारी माताजी मुख्य अनुदेशिका हैं कुरैश जूनियर हाई स्कूल में, कुरैश मदरसा कुरैशिया में, तो वो अपना शिक्षण कार्य कर रही थी तो वहाँ का मैनेजमेंट जो है भंग चल रहा था। वहाँ कचहरीबाजी हो रही थी, उनमें मुकदमा चल रहे थे, तो वहाँ पे एक बैग दो तीन लोग आते हैं जिसमें बजरंग मिश्रा नाम का आदमी है, सिविल ड्रेस में रहता है, और मैनेजर और उसके साथ इरफान करके कोई है वो आता है और नीचे से भेजा जाता है कि चपरासी को कि जाइए मैडम को बुला के लाइए, मेरी माँ ऊपर पढ़ाती रहती हैं। और वो जब आती हैं चपरासी बोलता है चलिए प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, तो चपरासी ने जो है उनको वो चपरासी की आवाज़ सुन के वो। मैं सुफिया बानो मदरसा इस्लामिया जामतुल कुरैश जालंधरी आजमगढ़ में मुख्य अनुदेशिका के पद पे कार्यरत हूँ। किस संबंध के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे यहाँ पर मिनी आईटीआई चलता है, मदरसा चलता है, मैं इनकी कुरूतियों का विरोध करती हूँ। प्रबंधक के ये घटना, मैं कंप्यूटर अपने अनुभाग में थी, कंप्यूटर टेक्नीशियन को कंप्यूटर दिखा रही थी, उसी समय नीचे से कर्मचारी फिरोज अहमद आया, बोला कि आपको प्रिंसिपल रूप में बुलाया गया है। मैं आदेशों का पालन करते हुए मैं तुरंत चली गई। मैं जब वहां पे गई तो मैंने देखा कि मंजर कुछ अलग है। अलग का मकसद ये था कि प्रिंसिपल की कुर्सी पर बाहरी आदमी सिविल ड्रेस में बैठा हुआ है, उसके दाहिने मिसकात बैठे हुए हैं जिनको गुलाम रसूल भी कहते हैं, उनके बाद प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उसके बाद आरिफ बैठे हुए हैं, उसके बाद सैफुद्दीन बैठे हुए हैं और दरवाजे के करीब इरफान कुरैशी बैठे हुए हैं। स्पेशली मेरे लिए कुर्सी पे कहा गया बैठ जाओ। मैं बैठी तो कुर्सी पर बैठा हुआ प्रिंसिपल की कुर्सी से बैठा हुआ आदमी बजरंग मिश्रा जो पेशे से वकील है कहने लगा कि आप मुझे तो पहचान गई होंगी, जान ही रही होंगी। मैंने कहा जी। कहा आपका आतंक बहुत हो गया, सुधर जाइए, हम लोग आपको सुधारने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा पूछने का मतलब? तो उसने जवाब दिया कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। मैंने कहा ये तो प्रिंसिपल की कुर्सी है। तो कह रहा कि आप जवाब दीजिए, इतना पूछना था मेरा कि वो लोग आपा खो बैठे और एक आवाज़ में सैकड़ों गालियाँ देने लगे। मैंने अपने को असुरक्षित महसूस किया, मैं कैंपस में बाहर निकली कि अध्यापकगण मेरा साथ देंगे। कोई अध्यापकगण इस आतंक आदमियों के सामने साथ नहीं दिए। और एक टीचर ने मान सम्मान बचाते हुए सीढ़ी के पास आकर के कहा कि आप सब करो, गाली ना दो। उनको धक्का देते हुए ऊपर आ गए और आने के बाद मेरे कमरे में मेरे दोनों कर्मचारी से एक को उलझा लिया मिसकात ने, दूसरे को उलझा लिया बजरंग ने, ताला तो। सरकारी अमित त्रिपाठी द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एमबीबीएस छात्र छात्राओं की काउंसलिंग कराई जा रही थी। काउंसलिंग में कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा था। एम शिक्षा निरीक्षण में पाया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े हॉल में कॉरिडोर उपलब्ध है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी व्यक्त करते हुए राजकीय मेडिकल के प्रधानाचार्य को निर्देशित करते हुए कहा कि एमबीबीएस के छात्र छात्राओं की काउंसलिंग सुव्यवस्थित ढंग से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ कुर्सी पर बैठकर ही कराएं। आजमगढ़ जनपद मुख्यालय की मोहल्ला जलंधरी स्थित मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैश के साथ विगत 16 जनवरी को उनके संस्थान में संचालित मिनी आईटीआई की मुख्य अनुदेशिका सुफिया बानो अदब की सारी मान्यताओं को तार तार करते हुए अपने संस्थान के प्रबंधक से भिड़ गई, ऐसा आरोप है।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उपस्थित लोगों ने जब उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर शब्दों की बौछार करते हुए फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देने लगे। क्या कुछ है मामला, प्रबंधक गुलाम रसूल को जैसे सुनिए। शुरू होगी, मेरा नाम गुलाम रसूल कुरैशी है, मेरे फादर मरहूम गुलाम हुसैन कुरैशी, मैं मदरसा इस्लामी जमीतुल कुरैश का जो है प्रबंधक में हूँ। और 16 तारीख को मैं गया था स्कूल निरीक्षण करने के लिए, तो मैं प्रिंसिपल साहब से मैं मंगा पंजिका रजिस्टर टीचरों का, तो उन्होंने दिखाया दिया, देखा मैंने, और उसके बाद फिर मुख्य अनिदेशिका मिनी ITI की सोफिया बानो को बुलवाया, और वो उनसे मैंने कहा पंजिका रजिस्टर लाने के लिए, तो वो बुला भरा कहने लगी और ये कहते हुए चली गई कि फर्जी मुकदमे में तुम्हें फंसा दूँगी, और ये सब सारी बातें कह करके बुला भरा कहते हुए वो चली गई। और मैं वहाँ पर और जो है जिलाधिकारी अमित त्रिपाठी द्वारा प्राथमिक विद्यालय नरहेथा शिक्षा क्षेत्र जोहानागंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोविड वैक्सीनेशन कराया जा रहा था। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित BLO से जानकारी प्राप्त की गई कि नरहेथा ग्राम में कितने वोटर हैं और इनमें से कितने लोगों द्वारा कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई गई है। BLO द्वारा अवगत कराया गया कि नरहेथा ग्राम में 1466 वोटर है, जिसमें से 23 लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है। इस पर जिलाधिकारी ने STM सदर को निर्देशित किया कि BLO सूची प्राप्त कर लेखपाल के माध्यम से सभी को कोविड टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ से खबर है जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टियां अपने अपने धुरंधरों को फील्ड में उतार दिया है और लोगों से ये पार्टियों के धुरंधर अपील कर रहे हैं कि हमारी ही पार्टी को आप जिताएंगे तो आपका भला होगा। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में पूर्व मंत्री और विधायक नफीस अहमद ने लोगों से जनसंपर्क किया और कहा कि जनता की भलाई सिर्फ समाजवादी पार्टी में। पूर्व मंत्री और विधायक नफीस अहमद आज अपने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा सैदपुर राजी अमानी चकनायक में जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अपार जन समर्थन के लिए सम्मान क्षेत्रवासियों को पूर्व मंत्री और विधायक नफीस अहमद ने हृदय तल से धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी अमित त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मिलवार धान क्रय केंद्रवार धान की खरीद व मिलरों को धान प्रेषण के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डिप्टी RMO को निर्देश दिया कि जनपद में 69 धान क्रय केंद्र संचालित है, धान खरीद के लिए 69 केंद्रों की मॉनिटरिंग स्वयं करें और यह भी सुनिश्चित करें कि समय से सभी धान क्रय केंद्रों को खुलवाएं, जिससे कि किसानों द्वारा समय से उपस्थित होकर धान क्रय का विक्रय किया जा सके। उन्होंने डिप्टी RMO को यह भी निर्देश दिया कि धान खरीद के संबंध में प्रतिदिन 6:30 बजे तक व्हाट्सएप पर एक संचित रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे, जिसमें कुल किसानों से कितने केंद्रों पर कितने मैट्रिक टन धान की खरीद की गई है, कितने किसानों को कितने केंद्रों से धनराशि का भुगतान किया गया और धान क्रय केंद्रों द्वारा जो धान क्रय किए गए हैं उसे मिलरों को कितने मैट्रिक टन धान प्रेषित किया गया, उसके सापेक्ष कितना CMR प्रेषित किया गया है। और एक खबर बलिया से है जहां थाना रेवती पुलिस ने 72 पेटी बंटी विस्की फ्रूटी व 70 पेटी 8 PM फ्रूटी एवं 10 पेटी गोल्डन विस्की अवैध शराब के साथ कुल 1375 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब एक तमंचा बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 22/1/2022 को थाना रेवती पर एक पिकअप पकड़ी गई, जिस पर 152 पेटी अवैध शराब लदी हुई थी, जिसकी कुल मात्रा 1375 लीटर थी, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए है। उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसका नाम अमित प्रसाद तिवारी है। उसमें सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और एक खबर मिर्जापुर से है जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना मढ़ियान पुलिस ने चोरी की 4 अदद मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो ये मढ़ियान पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में नाबालिग को भैला फुसला कर भगा ले जाने वाले दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना कचमा पुलिस ने भी एक नफर वारंट को गिरफ्तार किया है। और जनपद में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में 6 व्यक्तियों को प्रति 151/116 में चालान किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में आज क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी लोहदा द्वारा थाना स्थानीय की समस्त पुलिस टीम एवं PSC बल के साथ तथा क्षेत्राधिकारी बड़ागांव के नेतृत्व में थाना प्रभारी कपसेठी द्वारा थाना स्थानीय की समस्त पुलिस टीम एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई किया गया। फ्लैग मार्च कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया एवं शांतिपूर्ण वातावरण में COVID-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने का संदेश दिया गया।
और एक खबर वाराणसी से है, जहां उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव निर्वाचन 2022 सुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में आज वाराणसी ग्रामीण की समस्त पुलिस टीम द्वारा पैदल गश्त करते हुए संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग की गई।